दोस्तों, अब आप सभी को यह बात तो पता ही होगी कि अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के कून्हो नेशनल पार्क में कुछ इस तरह चीतों को रिलीज किया था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय सरकार ने इन चीतों को साउथ अफ्रीका से मंगवाने में 90 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, सवाल ये बनता है कि क्यों आखिरकार हमारे भारत में चीतों की इतनी ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि चीता एक शिकारी जानवर है और यह फूड चेन को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। यह जंगलों में और जानवरों को शिकार करता है और उनकी आबादी को संतुलित बनाए रखता है। और दूसरा रीजन ये है कि एक सर्वे से यह पता लगा है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का मार्केट 2032 तक $220 बिलियन तक जाने की संभावना है। और इसीलिए इन चीतों को मंगवाया गया है ताकि भारत एक ऐसा देश बन जाए जहां बिग कैट फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद हो। और जैसा कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, तो ऐसे में विदेशी लोग भी हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करने आएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी मदद भी मिलेगी। और तीसरा कारण है कि पिछले 70 सालों से पहले ही हमारे भारत में चीता की प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, जो कि इससे पहले हमारे भारत में बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन इनको शिकार करके मार दिया गया था। यही कारण है कि भारत सरकार वापस इन्हें भारत में लाना चाहती है।